नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गर्भावस्था में यानी कि प्रेगनेंसी में तरबूज खाने के फायदों के बारे में और किन बातों का आपको तरबूज खाने के दौरान ध्यान रखना है, उन सभी बातों पर। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को प्यार भरा लाइक जरूर दें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, गर्मियों में डिहाइड्रेशन की समस्या को दूर करने के लिए तरबूज को लोग काफ़ी अच्छा ऑप्शन मानते हैं। तरबूज गर्मियों में होने वाली कई समस्याओं से हमें बचा कर रखता है, लेकिन कुछ लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या गर्भवती महिलाओं के लिए तरबूज खाना सुरक्षित है या नहीं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाएं अपने खान पान पर पूरा ध्यान देती हैं। गर्भवती महिला अपनी डाइट में तरबूज को शामिल कर सकती है। जी हाँ, तरबूज में ढेर सारे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स के अलावा अच्छी खासी मात्रा में पानी भी पाया जाता है। तरबूज कब्ज से राहत देने और शरीर को हाइड्रेट करने का भी काम करता है। फाइबर से भरा तरबूज एक गर्भवती महिला के लिए एक हेल्दी स्नैक्स के रूप में हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि प्रेगनेंसी में तरबूज खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। लेकिन उससे पहले हम दोस्तों आपको बता दें कि प्रेगनेंसी में तरबूज खाना है तो अच्छा, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में तरबूज ना खाएं, एक सीमित मात्रा में ही खाएं। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में। दोस्तों, गर्भवती महिलाएं अक्सर पाचन की समस्या से परेशान रहती है। जी हाँ, और इसके अलावा सीने में जलन, अपच, पेट में दर्द जैसी समस्याएं उन्हें गर्भावस्था के दौरान घेरे रहती हैं। दोस्तों, तरबूज खाने से ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं। गर्भावस्था में तरबूज खाने से पेट की कई सारी समस्याएं ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, गर्भावस्था में महिलाओं के हाथ और पैरों में हल्की सी सूजन देखने को मिलती है। ऐसे में अगर तरबूज खाते हैं तो पानी और पोषक तत्व नसों और मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, इससे एडिमा या सूजन की परेशानी को आसानी से ठीक किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, तरबूज सुबह सुबह खाने से गर्भवती महिलाओं की सुस्ती दूर होती है। तरबूज खाने से दिन भर सुखद और स्फूर्तिदायक अनुभव होता है। सुबह तरबूज और इसका जूस पीने से शरीर एनर्जेटिक और पोषक संबंधित गुणों से भरपूर हो जाता है, जो मॉर्निंग सिकनेस को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दोस्तों, डिहाइड्रेशन के कारण प्री मेच्योर का खतरा बढ़ सकता है, तो तरबूज खाने से डिहाइड्रेशन की समस्या ठीक होती है। प्रेग्नेंट महिलाओं को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इसके साथ ही ऐसे फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए जिसमें पानी की अधिकता हो। तो ऐसी सिचुएशन में तरबूज में लगभग 90% तक पानी होता है, जो कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस लिहाज से भी तरबूज गर्भावस्था में बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा गर्भावस्था में महिलाओं को कई शारीरिक परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है, ये हम सभी जानते हैं। दोस्तों, इस दौरान महिलाओं की मांसपेशियों से लेकर हार्मोन में कई तरह के बदलाव होते हैं। वजन बढ़ाने से लेकर मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या, ये सारी काफ़ी बढ़ने लगती है। ऐसे में तरबूज के सेवन से आप मांसपेशियों की ऐंठन से राहत पा सकते हैं और मांसपेशियों की प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज की जानकारी, खास तौर पर उन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए जो ये जानना चाहती थी कि क्या प्रेगनेंसी में तरबूज खाना चाहिए या नहीं, कितना ये सेफ होता है और कितना नहीं। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की जानकारी, जो होती है यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।